कल बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ था, इनको तो पता नहीं था कि नेशनल अवार्ड हो रहे हैं पर इन्हीं का ही मुझे फोन आया था कि नेशनल अवार्ड हम जीत गए हैं। और इनफैक्ट बहुत टफ कंपटीशन था, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में इस बार आई थी और वे रियली फॉर्चुनेट कि इस फिल्म ने कनेक्ट किया जूरी के साथ और लोगों के साथ। जी मैं एक्चुअली सो रही थी, आई वाजंट फीलिंग वेल और मैं उठी, मेरे का 28 मिस कॉल, मेरे का क्या हो गया है, मेरी फैमिली सब पागल हुए हुए थे। फिर मैं कॉल किया, मैंने कहा यार तो बताया मुझे नेशनल अवार्ड जीत गया, फिर तो क्या मैं नेक्स्ट कॉल इनको गया और मैं चीख रही थी, मैं पागल हो रही थी, मेरे कहीं क्या हो गया हमारे साथ। पहले तो विश्वास नहीं हुआ था क्योंकि वो किसी क्या बोलते हैं, मुझे नहीं आया, मेरा फोन बंद था, तो मेरी बीवी को मैसेज आया तो उसने मुझे बताया, मैंने कहा अरे कुछ स्पेकुलेशन होगा, अभी थोड़ी ना अवार्ड्स हो रहे होंगे कुछ, सो जैसे नहीं नहीं हुआ। फिर वो वरुण का फोन आया, सो देन आई गूगल, तो तब मुझे पता लगा कि ऐसा करके अवार्ड मिला। ऐसी अच्छी बात है कि नेशनल अवार्ड में एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स फिल्म के अंदर नजर आए आपको, और ये फिल्म चाहे 90s में थी, पीरियड फिल्म थी, लेकिन वो काफ़ी कंटेम्प्रेरी है, रिलेटेबल है, करंट है, एंड आई थिंक इट जस्ट सेलिब्रेट्स टू डिफरेंट कैरेक्टर्स कमिंग टुगेदर। इनफैक्ट इतनी रियल फिल्म आपको आजकल देखने को मिलती है, शरद कटारिया ने बहुत अच्छी फिल्म लिखी और बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू शरद कटारिया, थैंक यू शरद कटारिया, थैंक यू शरद कटारिया जी। हाँ हम, मैं कल ही सोच रहा था झोली के पीछे गया दम लगा के, हेशा फिल्मों की क्राइम मास्टर बहू है, जहाँ भी जाती है कुछ ना कुछ लिखे आती है। इतने सारे अवार्ड हमारी फिल्म में जीते हैं तो उससे कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा। मुझे पर्सनलाइज नोट मिला था बच्चन साहब से फिल्म के बाद, जो मैं बहुत खफा हूँ मुझे नहीं मिला। भूमि आयुष्मान, एक्चुअली व्हाट प्रॉम्प्टेड टू टेक दिस मूवी, आई थिंक ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट काफ़ी इतनी अच्छी थी। इनफैक्ट विकी डोरो के बाद ही आदित्य सर ने मुझे, आदि सर ने फिल्म ऑफर की थी, उनको नहीं लगता था मैं फिल्म करूँगा, उन्हें लगता था कि मैं थोड़ा मेन स्ट्रीम हीरो का कैरेक्टर करूँगा, और जब मैंने फिल्म चूज़ की थी ही वॉज रियली प्राउड ऑफ मी। आई थिंक द स्क्रिप्ट वॉज सो ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल रिटन बाय शरद कटारिया, और मुझे कुछ अलग करने को मिल रहा था, ऊपर से हमारी कास्टिंग काफ़ी अनयूजुअल थी। आई थिंक ऑल द गुड एक्टर्स वर पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म, तो आई थिंक इट जस्ट केम आउट विद अ गुड प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा तो भूमि का रहा, भूमि भूमि यस, क्योंकि आपका ये वेट और फिर थैंक्स। नहीं, इस अवार्ड का सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इन्हें जाता है, क्योंकि दम लगा के हेशा जो भी, नहीं इट्स अ फैक्ट, लेट्स एक्सेप्ट इट, क्योंकि चलो यार ले लो ना यार, ठीक है सारा क्रेडिट मेरा ले लो, इन्हीं का है, क्योंकि जो हमारी परफॉर्मेंसेस थी, जो भी था, उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स लिखे, इतनी अमेजिंग फिल्म लिखी, इसीलिए हम वहाँ थे और इसलिए मैंने वेट भी गेन किया, घटाया इनकी वजह से नहीं शायद, देखते हैं। लेकिन वो लास्ट के 5 दिन जो मैंने उठाया था इनको, वो तो हाँ, वो एक्चुअली उसके लिए इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए था, क्योंकि मैंने देखे इनके हाथों पे से नील पड़े हुए होते थे। और ये रोज शाम को, और इनको बुखार था, 45 डिग्री टेम्परेचर में रेत पे भागना होता था, तो वेरी डिफिकल्ट, वो एक्टिंग से ज्यादा डिफिकल्ट काम तो वो था पिक्चर के लिए, लेबरियस काम था। लास्ट ईयर कई बड़ी पिक्चरें भी आई, फिर चाहे बाद में अमिताभ बच्चन की हो चाहे सलमान का, तो ऐसे में कम आया कि रक्षक का नेशनल अवार्ड जीतना, तो लाइक किस तरह का एक दिन दिखे जी पार करने के लिए। आई थिंक हमारी फिल्म इन सब में से अंडरडॉग थी, जैसे वैसे हम कैरेक्टर्स अंडरडॉग थे, फिल्म अंडरडॉग थी, और ये सिर्फ कमर्शियल वैल्यू से ज़्यादा जो हार्ट है इस फिल्म का, द फिल्म हैड अ बिग हार्ट, और जूरी के साथ उसने कनेक्ट किया, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट क्रेडिबल अवार्ड इन द कंट्री, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी चैनल, इसमें स्पॉन्सर्स नहीं होते हैं, कोई कुछ नहीं होता है, जो दिल से फिल्म को चूज़ करता है वो उसको मिल जाता है। आई थिंक दम लगा के शायद लॉट ऑफ आपकी फिल्म के साथ ही बहुत सारे दूसरे लोगों को क्या आई थिंक उनको कंग्रेचुलेशन बोलना चाहते हैं, बच्चन साहब को अवार्ड मिला है, कंगना रनौत को अवार्ड मिला है, हमारी फिल्म की बात, वरुण ग्रोवर को अवार्ड मिला है, मोनाली ठाकुर को अवार्ड मिला है, आई थिंक कंग्रेचुलेशन टू देम, बाहुबली को अवार्ड मिला है, आई थिंक दे ऑल डिजर्व।
मैंने आयुष्मान एक बार हम फिर से आपको दोनों को साथ में देखने का मौका मिलेगा, प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आई थिंक मनमर्जियाँ बहुत ही एक क्यूट लव स्टोरी है पंजाब से आई हुई। अभी तक हमने पंजाब सिर्फ फिल्मी पंजाब देखा है, रियल पंजाब आपको अब नज़र आएगा लव स्टोरी के तौर पर। एंड आई थिंक कास्टिंग बहुत क्रेडिबल है, मैं भूमि आफ्टर तमन्ना के ईशा, विकी कौशल कमिंग आफ्टर मसान, आई थिंक वो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। आनंद राय बहुत ही अमेजिंग प्रोड्यूसर है और उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है क्योंकि खाने को बहुत कुछ मिलता है। आपको क्यों लगता है मैं नीले रंग का जैकेट पहना? सेमीफाइनल में पहुँच गए और मैं कैलकटा भी गया था इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने, वहाँ बहुत मज़ा आया था। और आप ट्वीट्स मेरे पढ़ते होंगे जब मैं मैचों के दौरान, लेकिन जो भी है मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ और इंडिया फाइनल जीते, सेमीफाइनल छोड़ो फाइनल जीतेगा। दम लगा के पूरी टीम इंडिया के लिए ऑल द बेस्ट। आए बहुत अच्छा खेल रहे हो आप और इंडिया तो जीतेगा ही 110%। वो मैं नहीं स्टॉप है, खुशी का मौका है और वो इंडिया के लिए भी है। एक गाना जो आपको इस समय लगता है कि सेंट के लिए भी और इंडिया टीम। उदय उदय टिश्यू दो यार। गाना कौन सा गाना? ओके 1 2 3 स्टार्ट। तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा गोरे गोरे कागज जिन पे बेकस, लिखता हूँ ये खुलासा तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। टैंक 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 टैं